हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज मैं कुछ नई चीज़ आपके सामने लाने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी एक्टिवा खड़ी है। मेरी एक्टिवा है, 4G एक्टिवा है। इसमें सीट थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, तो हम देख रहे हैं कि सीट एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरी सीट को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ, एक स्टील का ऐसा पट्टी लेना है, 17 इंची इसका माप है। उसके बाद में 17 इंची पट्टी में 1.5 इंच छोड़ के एक होल लगाना है, 13 इंच का नट बोल के लिए। उसके बाद में यहाँ से लेके 1.5 इंच होल लगाना है। उसके बाद में यहाँ से लेके 6 इंच पर एक हमने होल लिया है, और ये हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। स्टील वर्क हो रहा है यहाँ पर। इस टाइप का रोड लेना है आपको स्क्वायर में। ये होल की साइज के लिए हम लोग जी मित्रों दर्शकों देख सकते हो, हमने 8 mm का यहाँ पे गोल होल लगाया है, और ये 1.5 इंच का नट बोल है जो 13 की साइज का है। इससे हम लोग अभी फिक्स करने वाले हैं। ये आगे से बोल्ट लगा के पीछे नट चढ़ाने वाले हैं, जिससे ये सीट को एक्सटेंशन मिल जाएगा। जी मित्रों आप देख सकते हो दर्शकों कि दो तरफ स्टील बार लग चुका है हमारा, और इस तरह से लुक आ रहा है गाड़ी का। फिलहाल काम जारी है, अभी हम लोग नट बोल्ट कस रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। यहाँ पे इसको पैक किया हुआ है, आखिरी में यहाँ पे भी ये भी पैक हो जाएगा। जी दर्शकों हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे दो एक्सटेंशन हमने दे दिए हैं, और यहाँ पे नट बोल लगा के जो एक्सटेंशन दिए हैं इसके नीचे ऐसी पट्टी लेनी है, जो 1 इंची की पट्टी आती है स्टील की, उसको यहाँ पे 12 इंची पे हमको कट करना है। यहाँ पे एक्सटेंशन जो है इसके यहाँ पे 12 mm पे यहाँ पे वेल्ड होगी ये पट्टी, और यहाँ पे होल रहेंगे जिससे सीट बैठ सके। तो यह बाहर 12 इंची है, यहाँ पे एक 12 इंची की पट्टी लगेगी, और यहाँ पे एक 9 इंची की पट्टी लगेगी। ठीक है, उसके आगे मैं आपको बताऊँगा। दर्शकों मैंने ये वेल्डिंग वाले को इस तरह से फर्मा डिज़ाइन करके दिया है, जो उनके वहाँ पे रॉड थी वहाँ पे ऐसा करके। ये जो बनेगा वो पाइप के अंदर बनेगा। इसकी लेंथ है वो जो 6 इंच रखी है, इसकी 4 इंच से 4.5 इंच रखी है, और ये 1 इंची का मोड़ दिया है। ये टेके के लिए बनेगी। ये 12 इंची की हमने जो पट्टी लगाई है उसको हम लोग वेल्ड कर रहे हैं नीचे से। ये 9 इंची की पट्टी जो है वो साइड से दोनों साइड क्रॉस कट हो चुकी है, अब यहाँ पे हम लोग इसको वेल्ड करने वाले हैं। इसको अंदर की तरफ से ऐसे वेल्ड करेंगे। ये हमने इसको क्रॉस मोड़ दिया है ऐसा, जिससे ये बैक साइड का बार लगेगा, थोड़ा क्रॉस लगेगा तो इससे सो आ पाएगा, वरना ऐसा सीधा लगेगा सो नहीं लगेगा। इसको थोड़ा क्रॉस कट कर दिया है जिससे बार लगेगा तो सो आ जाएगा। ओके, दूसरा वाला भी भैया कट कर दो। ये कुछ इस तरह से लुक है अभी फिलहाल। ये जो स्ट्रेट है इसको हम लोग क्रॉस कट करने वाले हैं, जिससे बार लगेगा तो आधा इंच उसको नीचे से क्रॉस कट कर दिया है इस तरीके से। तो ये फिलहाल ऐसा लगता, अब क्रॉस कट करके थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा।
इसको फिर से शेप दे रहे हैं, जिससे ये प्रॉपर यहाँ पे जो लगेगा तो ये होल जो है वो इसी से क्लोज हो जाए और यहाँ पे इस ढंग से फिट हो जाएगा वेल्ड होके। ये पाइप दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाइप हमने सीट का लेवल चेक करने के लिए रखा है कि इतनी सीट आएगी यहाँ पे और जिससे हम लोग बैक साइड का शेप दे सके। ये आखिरी में ये वाला जो बार है हैंडल बार, उसको यहाँ से हम लोग कट कर देने वाले हैं, ये देख सकते हो आप। और इसके बैक साइड यहाँ पे जो है हैंडल बार के पीछे में या स्टील की प्लेट लगाने वाला हूँ, जिससे गाड़ी की खूबसूरती भी बरकरार रहे। जी दोस्तों, ये बैक साइड का हैंडल बार है, उसको हम लोग स्टील की प्लेट फिट कर रहे हैं पीछे। ये शेप ले लिया है भाई ने। इसमें मैंने प्लानिंग में थोड़ा चेंज करवाया है, मैं यहाँ से कट नहीं करवाने वाला इसको, थोड़ा सा भैया इतना काट के, एक इंच ही काट के, ज़्यादा मतलब यहाँ से कटो कट नहीं, एक इंच ज़्यादा काट के इसको यहाँ से बेंड कर दो ऐसे। उसको हल्का सा इन्होंने घिसा है और घिसी मार के उसको बैंड किया है। बस अब ये वाला जो पोर्शन है ना आपने मार्किंग किया है, वो पूरा कट कर दो। नहीं नहीं कट कर दो आप, थोड़ा सा कर लो, वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। जी एग्जैक्टली, हट जाओ, बस यहाँ पे इसको वेल्ड कर दो। ठीक है, ले लो वेल्ड। इस प्लेट के ऊपर मैंने यहाँ दो होल करवाए हैं, जिससे बैक साइड टेके में हम लोग सीट लगा सके। ये हमारी प्लेट बन चुकी है बिल्कुल सही ढंग से, यहाँ पे दो होल करवाए हैं मैंने, जिस वजह से यहाँ पे गद्दी फिट हो सके और तकरीबन शेप आने लगा है, आप देख सकते हो। भाई एक मिनट, पीछे से अलाइनमेंट देख लेना है सही ढंग से। वो एवेंजर की तरह लुक आ रहा है कुछ बैक साइड से, बजाज की एवेंजर की तरह लग रही है। ये हमारी तकरीबन सीट एक्सटेंड हो चुकी है, अब इस पे सीट वर्क बाकी है गद्दी का। यहाँ पे कटिंग होके फर्मा बनेगा इसका, प्लाई का, और उसके ऊपर गद्दी फिट हो जाएगी और बैक साइड पे भी ऐसा ही होगा। अब रही बात इस हैंडल बार की, जो यहाँ से हम लोग ने ये मार्किंग किया है वहाँ से कट कर देंगे, और यहाँ पे भी ये मार्किंग किया है और इस साइड में भी ये मार्किंग किया है। भाई ये मार्किंग किया है ना, उसमें आप ग्राइंडर से कट लगा दो।
ये देख सकते हो आप, हमने निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है। जी दर्शकों, आपने देखा कि हमने जो सीधा काटा हुआ था तो यहाँ से दो पॉइंट निकले थे, वो पॉइंट हमने यहाँ से कट करके इसको सरीगा कर दिया है और इसको भी तकरीबन लेवल कर दिया है, जिससे यहाँ पे जो सीट बनेगी उसका प्रॉपर ढांचा बैठ सके। यहाँ पे हमने पहले ऐसा कट किया था स्ट्रेट, और उसके बाद में दो यहाँ पे इस टाइप का कोना बचा हुआ था, वो कोना हमने यहाँ से जो बचा हुआ था वो निकाल दिया। इतना सा ये कोना था, वो कोना हमने कट कर दिया, जिससे यहाँ पे जो बैठने वाली सीट है वो प्रॉपर उसको शेप में दे सके हम लोग। जी, इसका ज़ीरो करके हमने इसका वेट देखा है, तो ये ज़ीरो हो गया है। बाकी का सामान ज़ीरो पे रखा है, सेट किया है, और हमने ये रखा है, तो इसका तकरीबन वज़न 1 किलो 700 ग्राम जितना इसका वज़न बैठा है, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, 1.5 किलो जितना वज़न बैठ कर 1.25 किलो पकड़ लो, और ये सीट ऐसे फिक्स हो गई। भाई नट बोल लगा दो। यहाँ पे स्टील वर्क ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ इसका सीट वर्क करवाना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, ये वर्क किया है जालम सिंह और इनके साथ में कलीग जो है आपका नाम क्या है, उमेश सिंह, और जालम सिंह ने ये वर्क हमको कर दिया है। इनका फैब्रिकेशन वर्क बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ पेश आए, और छोटी छोटी चीज़ के लिए भी कुछ लोग होते हैं वो चिढ़ते हैं कि अभी टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, पर इन्होंने जो मेरे साथ सुलूक किया बहुत ही बेहतर सुलूक किया है। और इनके पास आगे मैंने मेरे घर का भी काम करवाया था स्टील फैब्रिकेशन, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आया था, तो काफ़ी अच्छा वर्क था और आगे भी मैं उनको काम देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सूरत से हो तो आप प्लीज़ इनका पता पूछो, ये भाई गुजराती वो जानते हैं ज़्यादातर, कई जगह छे हैं भाई, आपने राशि सर्कल ऊपर से, ये राशि सर्कल के पास में कतार गांव के पास जो रोड है, गजेरा सर्कल भी यहाँ पे करीब पड़ जाए, और तकरीबन इनके साथ में मेरी बात हुई, गोड़दो रोड है, वेसू है, जो भी नए एरिए कतार गांव, वराछा, मोटा वराछा, स्पेशली इनका वर्क पाल के नज़दीक बहुत चल रहा है, तो आप कोई भी कस्टमर हो इनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आगे डिस्क्रिप्शन में इनका कार्ड भी रख दूंगा और एडवर्टाइजिंग भी कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही रिलायबल प्राइस में मुझे बढ़िया सी सीट बना दी, इसके बदल थैंक यू, आभार। जी दोस्तों, हमने ये फरमा जो लिया है इसका मेज़रमेंट तकरीबन ये मोड़ के लिया है, इसको हम लोग 1.25 इंची से हम लोग ज़्यादा, मतलब 1.25 इंच ज़्यादा काटे ये, जिससे फरमा अंदर का माप निकल आए। ये हमने जी दोस्तों, तो ये फरमा कट के इस तरह से रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो आप, इसका प्लाईबोर्ड का फरमा निकाला है मैंने ये पूठे पे कटिंग करके, अब इसको यहाँ पे रखते हैं और सेंटर लेते हैं, इसका सेंटर ले के ये जो होल है, अब वो होल के लिए फरमे पे लेने पड़ेंगे, तो हमने ये रख दिया है यहाँ पे, ये रख दिया है। और इसको हम लोग होल के लिए नीचे से सुआ है, सुई से इसको नीचे से होल का मेज़रमेंट ले लेंगे हम।
यहाँ पे देखो आगे से करोगे पीछे से करोगे, इस जगह में ये होल का मेजरमेंट आ चुका है। इसी तरह यहाँ पे एक होल है दूसरी जगह पे। भाई आगे से रास्ता गया भागल को, भागल भागल नहीं है, इधर से ही लेना पड़ेगा, इधर से ही आने, थोड़ा साइड हो जाएगा। ये होल आ चुका है, अब दोबारा हम यहीं से भी इसका मेजरमेंट लेके ऐसा होल का निशान ले 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 सकते हैं। अब इस पट्टी के ऊपर में ये यहाँ पे निशान आया है, इसी तरह इस पे यहाँ पे आया है, ये देख सकते हो आप, ये पूरा मेजरमेंट आ गया है। ये हमारा हो गया है जो प्लाई बोर्ड का फर्मा निकल चुका है। यहाँ पे होल गिरवाने हैं, ये प्लाई पूरा कटिंग होगा ये साइज का और होल लगेगा। इसी तरह से हम लोग बैक साइड का भी हम लोग फर्मा ले रहे हैं। ओके, ये आउटर मेजरमेंट हमने मोड़ लिया है, हमको पता चल गया है यहाँ पे इस तरीके से कोई भी मार्किंग पेन से आउटर लाइन निशान कर देना है और फिर उसको तकरीबन इतना काट देना है, पौना इंची एक इंची जितना काट देना है। ओके जी दोस्तों, हमने ये बैक साइड का जो फर्मा निकाला है वो आउटर मेजरमेंट लिया था और कट करके ये फर्मा निकाल लिया है। अब ये फर्मे को यहाँ पे होल जो है उसको फर्मे में लेने हैं, तो वो हम किस तरह से लेंगे, ये फर्मा रख देना है और बैक साइड से जो होल है आप देख सकते हो, ये जो होल है यहाँ पे पॉइंट आउट करके इसको होल पास कर देना है। देख सकते हो आप इस तरफ से, देख लो ये होल पास हो गया है, अब देख सकते हो यहाँ पे हमने होल पास कर दिया है, ये परफेक्ट मेजरमेंट निकल गया है। अब हम ये मेजरमेंट को ले जाएंगे जो प्लाई बोर्ड कट करते हैं उसके वहाँ पे ले जाएंगे, अब वो आगे का काम करेंगे। ओके थैंक यू जी दोस्तों, तो हम लोग आए हैं प्लाई बोर्ड बनाने वाले के वहाँ, ये रिक्शा का प्लाई बोर्ड बनाते हैं, सीट सब बनाते हैं। अब हमने जो फर्मा लिया था उसका मेजरमेंट हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, यहाँ बॉल पेन से मार्कर से ड्रॉ करके इसके होल भी ड्रॉ कर दिए हैं और ये बैक सीट के भी ड्रॉ कर दिए। अब ये भाई कटिंग करने वाले हैं, भाई कटिंग कर दो। तो गाइज आप देख सकते हो ये सीट यहाँ पे नट बोल से सेट कर दी गई है, यहाँ पे बोल्ट आ चुके हैं, ये बोल्ट देख सकते हो आप, 5 बोल्ट दिए हैं। इसको हम लोग निकाल लेते हैं अभी और इसका अभी सीट वर्क होने वाला है। ये यहाँ पे इस तरीके से सीट वर्क होगा, ऐसी गद्दी लगेगी या हिटलॉन लग के इसको सीट वर्क दिया जाएगा। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये सीट वर्क ख़त्म हो चुका है, इसके ऊपर डल्लोब रख कर रेक्जिन वर्क होकर ये कंप्लीट हो चुकी है सीट, और दूसरी एक जो सीट है वो तकरीबन फिट हो चुकी है, इसके बाद में आखिरी सीट हम लोग यहाँ पे इसे लगाने वाले हैं। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हो हमारी गाड़ी की बैक साइड की सीट बन के तैयार है, जो एक्स्ट्रा हमने लॉन्ग की हुई है, बाजू में दूसरी नॉर्मल एक्टिवा भी रखी हुई है, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। और
काफ़ी बेस्ट लुक लग रहा है गाड़ी का। ये नॉर्मल साइज है, ये एक्सटेंड की हुई है, बहुत ही कूल एंड डूट लुक लग रहा है गाड़ी का। आप बैठ के बताओ कितने जन बैठ सकते हो। आप देख सकते हो तकरीबन एक बंदे की जगह हो गई है।